अदब बा अदब होशियार 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 बा अदब थाम लो दिल को सब ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे कहाँ है खतरा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा गुलशन सहरा सहरा महफिल सागल सागल मस्ती 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 जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल ओए क्या कहना फूल समखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा ओए क्या कहना चेहरा किताबी ओए क्या कहना होंठ गुलाबी ओए क्या कहना चांदी शराबी ओए क्या कहना हाथ नवाबी ओए क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा
हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम। अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों, वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। गलियों चौबारों में प्यार हमने किया, देखे अरमा का इजहार हमने किया। उसका चेहरा हमेशा निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका। रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका पीका। मिलन साथियों, साथियों, साथियों।
वतन साथियों। घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे, कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है किसकी सांसों ने किसकी धड़कन ने किसकी चूड़ी ने किसके कंगन ने किसी के कजरे ने किसी के गजरे ने सुबह ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संती बेलों ने झूमती बेलों ने
चटकते झूलों में, बहकते फूलों में, चटकती कलियों में। और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गांव सूना सूना है। कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ, यही हर खत में पूछे मेरी माँ, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। उसे उसके बेटे का नाम दे।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन
लिए धीरे चाल से आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा यथावत भारत संघ की नियमित सेना में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक सेवा करूंगा। तथा जल थल या वायु मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा जाऊंगा और मैं भारत संघ के राष्ट्रपति तथा मेरे प्रयुक्त हर स्तर के सब समाचारों का अपने जीवन का योग्य मुताबिक भी पालन करूंगा। इस पासिंग आउट परेड का नेतृत्व परेड कमांडर अग्निवीर डीएमवी कालिका यादव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले यह अग्निवीर एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारक हैं और वह 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं। निशान टोरी अग्निवीर गनर गौरव कुमार कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले ये गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सेना वायु रक्षा कोर निशान के सामने से गुजरने तथा परेड के द्वारा सलामी दिए जाने पर यथास्थान खड़े होकर निशान को सम्मान दें और वर्दीधारी निशान को सलूट करें। आप देख रहे हैं नव प्रशिक्षित अग्निवीर बैच 2 काफी एकाग्रता और शालीनता के साथ चेहरे पर कुछ कर दिखाने की चमक एवं बहादुरी का संदेश दिए मार्च कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मार्च पास्ट हो रही है। मार्च पास्ट में टोलियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे आगे टोली नंबर 1 जिसका नेतृत्व अग्निवीर गनर बलजीत कुमार कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले ये अग्निवीर एक उत्कृष्ट धावक हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले ये अग्निवीर 2022 में नई दिल्ली में आए।
आदमी खेला छत्र पर निर्भर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले ये आदमी हैंडबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। अग्नि कनर गोविंद कुमार पास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये अग्नि हैंडबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। Thank you.
दो चला प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं माननीय समीक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो इन श्रेष्ठ गनर ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर गनर हिमांशु नायक टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट, ओपीआर ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर ओपीआर दीपक कुमार बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, डीएमबी ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर डीएमबी आशीष कुमार एडम एंड ट्रेनिंग रेजिमेंट, ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट अभिषेक शर्मा बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्रिल प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर डीएमवी कालिका यादव एडम एंड ट्रेनिंग रेजिमेंट, ओएफसी ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर ओएफसी चौगले गोविंद टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट, वेपन ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर ओपीआर मोहन कुमार सिंह बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर ओएफसी मयंक गौतम टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट रमन लाल बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, अब मैं माननीय समीक्षा जय हिंद। यहां पर उपस्थित सभी बहादुर अग्निवीरों, आज का पासिंग आउट परेड रिहर्सल उच्च कोटि का था, जिसमें आप सभी ने अभूतपूर्व उत्साह एवं सैन्य परीक्षण का प्रदर्शन किया। आपका टर्नआउट, मार्चिंग और जोश को देखकर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी ने ऊंची कोटि की ट्रेनिंग हासिल की है। इसलिए मैं आप सभी को और आपके इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं। आप एक साधारण नागरिक से परीक्षित सैनिक और भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनने वाले हैं। आप यहां से अपने अपने यूनिटों में प्रस्थान करेंगे। यहां की कुछ महीनों की ट्रेनिंग सिर्फ शुरुआत है।
क्योंकि एक सैनिक के लिए पर्याप्त नहीं है। यूनिट में जाकर एक नए जोश के साथ अपने अपने ट्रेड के मुताबिक आपने इक्विपमेंट के बारे में और निपुणता हासिल करनी होगी। आप सभी को यूनिट के माहौल में अपने आप को ढलना होगा। एक अच्छे सैनिक के लिए अनुशासन, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपनी यूनिट के प्रति वफादारी बहुत आवश्यक है। आर्मी एडी एक अत्यंत आधुनिक कोर है, इसलिए आपको ना ही सिर्फ वर्तमान इक्विपमेंट में माहिर होना होगा बल्कि नए नए टेक्नोलॉजी में वाकफियत रखनी होगी। आर्मी एडी यूनिट्स देश के हर एक क्षेत्र में डिप्लॉयड है, जिससे आपको अलग अलग माहौल जैसे कि राजस्थान, असम, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एरिया एवं बर्फीले इलाके में नौकरी करने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ की ट्रेनिंग के बाद आप अपनी यूनिट के माहौल के अनुसार एक अच्छे सैनिक का दर्जा हासिल करेंगे। आप में बहुत काबिलियत है, उसको और आगे ले जाएं। आगे आने वाले समय में आप अपनी कोर व सेना का नाम गौरवान्वित करें और प्रण करें कि आप देश सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और मौका आने पर सर्वोच्च बलिदान देने में भी नहीं हिचकेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। जय हिंद, जय भारत। चमक
एवं अपने देश की आन और मान की रक्षा का संकल्प लेते हुए धीरे चाल से आज की पांचवी ऑपरेशन के अंतिम पद की ओर अग्रसर हो रहा है। ये वो एक महत्वपूर्ण पद है जो कि अध्याय के पूरे होने और दूसरे के प्रारंभ की ओर कदम बढ़ाने की निशानी है। इन अग्नि दिनों में मार्ग को संकल्प सहनशीलता और साहस के साथ ही अग्निवीर भविष्य में किसी भी सैन्य चुनौती का सामना करने को पूर्ण रूप से तैयार है। Judgment!
थैंक यू सर। क्या है